हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुदेश गुप्ता फ्रॉम सारथी ग्रुप्स द परफेक्ट होम फाइंडर। दोस्तों, आपने अभी तक मुझे सिर्फ वीडियोस में सुना होगा, आज पहली बार आप देख रहे हैं। आज मैं आपको एक नया प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ। प्रोजेक्ट का नाम है सृष्टि, सृष्टि नमन नाम से इस प्रोजेक्ट को जाना जाता है। एंड उसके अलावा आप इसके जो डेवलपर है उनका नाम है कल्पतरु ग्रुप। सो ये प्रोजेक्ट आपको बहुत पसंद आने वाला है, बहुत ही पॉश एरिया में है। इसे मैंने पर्सनली जाके विजिट किया है और टूर किया है, तो आप इसे एक्चुअल में देखेंगे, पूरा समझेंगे। आपको इसका वीडियो कैसा लगता है या फिर ये प्रोजेक्ट कैसा लगता है, इसका रिव्यू मुझे जरूर दें कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो वीडियो सेक्शन में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी खड़े हैं सृष्टि के सेल्स ऑफिस के बाहर, और ये आप देख सकते हैं वेलकम टू सृष्टि नमः किस तरह से लिखा हुआ है। ये है सृष्टि का सेल्स ऑफिस, और इसके ठीक सामने आपको प्रॉपर्टी की जगह देखने को मिलेगी। सृष्टि एक बहुत ही पुरानी सोसाइटी है मीरा रोड में। सृष्टि नमः नाम से इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, और इसके डेवलपर है कल्पतरु ग्रुप। प्रोजेक्ट में हम लोग लोकेशन, फैसिलिटीज़, लेआउट, एमिनिटीज़ और बिल्डिंग का मॉडल, फ्लैट के मॉडल 1, 2 एंड 3 BHK, जोड़ी ऑप्शंस और प्राइजेस पे बात करेंगे। एंड ये है उसका अप्रोच रोड और किस तरह से इसका कनेक्टिविटी है, वो सब बात करेंगे। रायन इंटरनेशनल स्कूल CBSE, ये आप देख सकते हैं, ये पास में आपको स्कूल देखने को मिलेगा। और जब आप इस रोड पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपको ये भक्ति वेदांत हॉस्पिटल देखने को मिलता है। ये प्रॉपर्टी के जस्ट बगल में आपको ये देखने को मिलेगा भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, जो कि नामी हॉस्पिटल है मुंबई में। एंड फिर उसके आगे थोड़ा सा और जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें विसिनिटी में देखने को मिलती है। ये जो रोड देख रहे हैं आपको, ये आपको स्टेशन और हाईवे दोनों कनेक्ट करने वाला है। यहाँ से आप सीधा जाएंगे तो आप हाईवे कनेक्ट होते हैं, मेट्रो स्टेशन कनेक्ट होते हैं, एंड पीछे की तरफ जाएंगे तो आप मीरा रोड स्टेशन कनेक्ट होते हैं विद इन 5 मिनट्स। ओके, और ये सामने जो ग्रीन कलर की बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये है रॉयल कॉलेज। एंड इसके आगे थोड़ा सा और जाएंगे तो आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। रॉयल कॉलेज का गेट देख सकते हैं आप, बहुत ही नामी एरिया है और पॉश एरिया है आप। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आपको एक टेंपल देखने को मिलता है, इस्कॉन टेंपल, और NL डालमिया कॉलेज, ये बहुत ही फेमस कॉलेज है फॉर बिजनेस स्कूल, MBA और MCOM जैसे कोर्सेज के लिए। उसके अलावा आपका जो विसिनिटी है, गेट है, वो इस तरह से आने वाला, उसके बाजू में भक्ति वेदांत हॉस्पिटल आपको देखने को मिलेगा। एंड जब आप अपने सोसाइटी में एंटर करते हैं तो आपको दो एंट्रेंस दिए गए हैं सामने की तरफ से, और एक बिल्डिंग आप टी शेप में देख सकते हैं, वहाँ पर डेवलप की जाएगी। 30-30 माले के टावर हैं, डिफरेंट, और पूरा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन किया गया है। ये रोड देख सकते हैं किस तरह से डेवलप किया गया है, और इसी तरह से आपको बाहर भी देखने को मिलता है। जब आप अपने सोसाइटी के अंदर जाते हैं तो सोसाइटी का पूरा टाउनशिप आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं किस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है, फिर उसके बाद एक एक चीज़ें हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से उसे प्लेस किया गया और उसका मतलब क्या है, तो वो चीज़ें आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएंगी। और इसके अलावा हम लोग सैम्पल फ्लैट देखने वाले हैं, इस किस तरह से सैम्पल फ्लैट आपका होगा, आपका बिल्डिंग का एलिवेशन कुछ इस तरह से होगा, आपकी बिल्डिंग 30 माले की जो होगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी, और आगे की तरफ आप एक कमर्शियल बेल्ट भी देखेंगे। सृष्टि नमक के पूरे कॉम्प्लेक्स में जब आप देखते हैं तो आपको जो एक बहुत खास चीज़ दिखती है वो है उसकी एमिनिटीज़। इसे बहुत खास बनाती है और बहुत यूनिक बनाती है सृष्टि के जो एमिनिटीज़ है, इसे बहुत लग्जूरियस तरह से इसे डिज़ाइन किया है, वो सब पे बात करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग टी शेप में डिज़ाइन की गई है। एक फ्लोर पे आपको 7 फ्लैट देखने को मिलते हैं, 4 लिफ्ट देखने को मिलेगी, और बहुत ही स्पेशियस ढंग से इसे डिज़ाइन किया गया है। जोड़ी फ्लैट के ऑप्शंस कुछ इस तरह से मिल जाएंगे आपको कि आपकी फ़्लैट की आपको जोड़ी बना सकें आप इजीली। एंड बहुत ही स्मार्टली डिज़ाइन किया है। और जब आप देखते हैं यहाँ पर, तो हर एक बिल्डिंग के नीचे आपको कुछ इम्यूनिटी मिल जाती है, मतलब आपको फर्स्ट फ्लोर पे आपके कुछ इम्यूनिटीज़ आपके बिल्डिंग के अंदर ही देखने को मिलेगी, जैसे जिमनाजियम हो गया, और अलग अलग तरीके की इम्यूनिटीज़ आपके हर बिल्डिंग के नीचे देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत खास हो जाता है, बिकॉज आप घर से नीचे उतरते हैं और आपको नीचे एक चीज़ मिल जाती है, जैसे जिमनाजियम हो गया, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा आपको सामने की तरफ एक क्लब हाउस देखने को मिलेगा, क्लब हाउस में आपको पार्टी हॉल देखने को मिलता है, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग सारी चीज़ों को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी आपको जो खास खास चीज़ें हैं, जैसे आपका स्विमिंग पूल हो गया, स्विमिंग पूल बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग सेग्रीगेट किया गया है। एंड आप देखेंगे पूरे लेआउट को एक ट्री जोन से कवर किया है, मतलब हर पूरे लेआउट में आप देखेंगे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, तो सराउंडिंग पूरी जो रहती है वो पेड़ों से कवर हो जाती है। एंड बीच में भी आप एमिनिटीज़ भी देखेंगे तो उसे गार्डन एरिया की तरह कवर किया गया है। एंड बीच में आपको एक मूविंग गार्डन दिया हुआ है, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर टेनिस कोर्ट आपको दिख रहा होगा, बैडमिंटन कोर्ट दिख रहा होगा, एंड उसके अलावा आपको अलग अलग खेल कूद के लिए, बच्चों के एक्टिविटी के लिए आपको एक्टिविटी जोन्स दिए हैं।
सो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है जो कि प्रोजेक्ट को और ख़ास बनाती हैं। एंड आप एक रेड कलर का जो पट्टी देख रहे हैं वो आपका एक वॉकिंग ट्रैक हो जाता है पूरे बिल्डिंग का। तो आप एक पूरा टर्न लेना चाहते हैं, वॉकिंग करना चाहते हैं अपने बिल्डिंग में, तो आप आराम से वॉकिंग कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको एक प्रॉपर बेल्ट मिलता है, स्केटिंग रिंग मिलता है। सो ये आपका बिल्डिंग का एलिवेशन कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देखेंगे तो आगे की तरफ आपको कमर्शियल देखने को मिलता है। कमर्शियल आपको हर जगह नहीं देखने को मिलेगा, हर बिल्डिंग में नहीं देखने को मिलेगा, किसी किसी बिल्डिंग में ही कमर्शियल दिया गया है और वो भी 2 फ्लोर्स तक का आपको देखने को मिलता है। और इसका जो भी एक्सेस होगा वो सब बाहर से होगा, और आपके जो रेसिडेंस का एक्सेस होगा उसमें कमर्शियल के एक्सेस से कोई लेना देना नहीं रहेगा। जब आप बात करते हैं आपके बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग में आपको नीचे 2 से 3 लेवल तक का पोडियम दिखता है जिसमें आप पार्किंग कर सकते हैं, और ऊपर आपको पूरी आपकी बिल्डिंग दिखती है। बिल्डिंग में आपको जो फ्लैट्स मिलेंगे वो सारे ऑप्शंस उसमें अवेलेबल हैं। आपको 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK जोड़ी फ्लैट के ऑप्शन और सनडेक फ्लैट के भी ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। सनडेक का कंसेप्ट थोड़ा न्यू है मीरा रोड में, और इवन आप देखेंगे हर जगह देखने को नहीं मिलता है। सनडेक एक तरह से बोले तो आपके घर में आपको एक बालकनी मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी टेरेस जैसी बालकनी होती है, 6 फीट तक की या फिर 4.5 फीट तक की ऐसी बालकनी आपको देखने को मिलेगी। सो वो चीज़ इसे बड़ी खास बनाती है कि आपके घर में ही आपको एक लिविंग रूम में बालकनी मिल जाए बड़ी सी। सो वो एक चीज़ है जो इसमें ऐड ऑन का काम करती है। जब आप अपने फ्लैट की बात करते हैं तो फ्लैट का लेआउट कुछ इस तरह से आता है। आपके लेआउट में आप देखेंगे ये 1 BHK का लेआउट है। आपको जब आप एंटर करते हैं आपके लिविंग रूम में तो किस तरह से आपको डिज़ाइन करके कर सकते हैं अपने लेआउट को, आपका लेआउट किस तरह से होगा ये हम लोग देख लेते हैं इसमें। आपके डोर से जब आप निकलते हैं तो आपको एक डाइनिंग स्पेस मिल जाता है, सिटिंग एरिया के लिए स्पेस मिल जाता है, सोफ़ा लगा सकते हैं, फुल साइज़ में विंडो देखने को मिलेगी फ्रेंच विंडो टाइप में। और फिर उसके अलावा आपके पैसेज एरिया में आपको बाथरूम एंड टॉयलेट देखने को मिलेगा। 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगा आपका, शार एरिया, कमोड एरिया एंड वॉश बेसिन एरिया। एंड उसके अलावा किचन देखने को मिलता है, आपका मास्टर बेडरूम आपको देखने को मिलेगा, उसमें भी आपको एक बाथरूम एंड टॉयलेट देखने को मिलता है। सो दोस्तों ये है आपका 1 BHK का लेआउट, सिंपल एंड स्वीट लेआउट रखा है ताकि आपका स्पेस में ज़्यादा अफेक्ट ना हो। आपको वार्डरोब की स्पेस आपके बेडरूम में देखने को मिलती है, एक किंग साइज बेड लगा सकते हैं आप अपने बेडरूम में। सो इतनी स्पेस आपको मिल जाती है 1 BHK के बेडरूम में। 1 BHK में 2-3 लेआउट के ऑप्शंस हैं। सो एक और लेआउट का ऑप्शन ये है, जब आप एंटर करते हैं तो आपके पीछे की तरफ आपको किचन देखने को मिलता है एक ग्रेनाइट के प्लेटफॉर्म के साथ में। एल शेप में आपका प्लेटफॉर्म होगा और आपको वॉशिंग मशीन और फ्रिज के लिए स्पेस मिल जाती है दोनों ही लेआउट में। यहाँ पर भी आप देखेंगे आपके लिविंग रूम में आपको डाइनिंग और सिटिंग स्पेस देखने को मिलता है, किस तरह से आप सिटिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। बाथरूम एंड टॉयलेट की जगह मिल जाती है, और आपको एक मास्टर बेडरूम देखने को मिलता है जिसमें भी आपको दोनों बाथरूम का साइजेस आपको सेम मिल जाते हैं दोनों ही लेआउट में, और 3 सेक्शन में अच्छी क्वालिटी के फिटिंग के साथ में उसे डिफाइन किया गया है। जब आप 2 BHK की बात करते हैं तो 2 BHK का लेआउट आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, एंड इसमें भी 2-3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जब आप एंटर करते हैं अपने लिविंग रूम में तो लिविंग रूम थोड़ा सा एल शेप में रखा गया है, हल्का सा, ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं आता। इसके अलावा प्रॉपर एल शेप भी चाहिए तो उसके भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जब देखते हैं लिविंग रूम को तो लिविंग रूम में आपको डाइनिंग स्पेस मिल जाता है 4-6 सीटर तक के लिए, और उसके अलावा आपको लिविंग स्पेस मिल जाता है आपका सिटिंग के लिए, सोफ़ा के लिए, और फिर पैसेज एरिया। पैसेज एरिया में आपका पहले कॉमन बेडरूम आता है, फिर उसके ठीक सामने कॉमन बाथरूम एंड टॉयलेट, एंड आपको मास्टर बेडरूम विद मास्टर बाथरूम एंड टॉयलेट देखने को मिलता है। पीछे साइड में आपको किचन एक ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म के साथ में देखने को मिलेगा। ये 2 BHK का दूसरा लेआउट है, इसमें भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम मिल जाती है आपको, एंड किचन में भी आपको जैसे प्लेटफॉर्म पीछे की तरफ देखने को मिलता है इसमें भी वैसा ही आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। कॉमन बेडरूम में आपको बाथरूम एंड टॉयलेट नहीं मिलता, वो आपका मास्टर बेडरूम नहीं होता, तो उसके लिए आपको कॉमन बाथरूम एंड टॉयलेट जो है उसके ठीक सामने की तरफ मिलता है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड मास्टर बेडरूम में तो आपको खैर बाथरूम एंड टॉयलेट देखने को मिलता है ऑलरेडी। खैर ये तो था आपका 2 BHK का फ्लैट। इसके अलावा एक और 2 BHK है जो डिज़ाइन में आप देखेंगे आपके लिविंग रूम में जब आप एंटर करेंगे, उससे पहले ही आपको किचन देखने को मिलेगा, एंड फिर उसके बाद आपका एल शेप में लिविंग रूम आ जाएगा जिसमें आप 6-8 सीटर तक का डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, और आपका सिटिंग स्पेस आपको मिल जाता है, सोफ़ा के लिए, टीवी यूनिट के लिए जगह मिल जाती है, फुल साइज़ में विंडो देखने को मिलेगी। आपका पहले कॉमन बेडरूम फिर मास्टर बेडरूम आपको देखने को मिलता है, एंड इसे भी सेम तरह से डिज़ाइन किया। जस्ट आप किचन का जो एलिवेशन देखेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिल जाता है, किचन आपका आपके डोर के जस्ट बगल से आपको एक्सेस मिल जाता है। ये भी एक अलग तरह का पैटर्न है,
जो कि आजकल मार्केट में फॉलो हो रहा है, ये आपका 3 BHK का फ्लैट है दोस्तों। 3 BHK के फ्लैट में सबसे पहले आप जब एंटर करते हैं पैसेज एरिया से, आपको 6 to 8 seater तक का डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, ऐसी जगह मिल जाएगी। लिविंग रूम में आपको सिटिंग एरिया, टीवी यूनिट के लिए जगह मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको एक मास्टर बेडरूम देखने को मिलेगा और आगे की तरफ पैसेज में जब जाएंगे आप तो पैसेज में आपको किचन देखने को मिलता है। 2 ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म, एक स्टेनलेस स्टील सिंक और फ्रिज की जगह और वॉशिंग मशीन की जगह के साथ में एक स्मॉल विंडो देखने को मिलेगी वेंटिलेशन के लिए। 3 BHK के फ्लैट में आपको 2 मास्टर बेडरूम देखने को मिलते हैं और 1 कॉमन बेडरूम देखने को मिलता है, जिसका कॉमन बाथरूम एंड टॉयलेट आपको सामने की तरफ मिल जाता है। सो दोस्तों, ये थे आपके 1, 2 and 3 BHK फ्लैट। इसके अलावा जोड़ी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। 1 BHK की जोड़ी, 2 BHK की जोड़ी आपको देखने को मिलेगी। प्राइसेस की बात करो तो 1 BHK का जो प्राइस अप्रॉक्स जाता है वो 71 लाख से 80 लाख के बीच पे जाता है, डिपेंडिंग अपॉन दी कॉन्फिगरेशन, फ्लोर्स एंड कारपेट एरिया कौन सा ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। एंड 2 BHK की जब प्राइस की बात करूँ तो 1 CR से शुरू होता है, 1.20 तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन दी फ्लोर कॉन्फिगरेशन एंड कौन सा आप साइज पसंद करें उस पर डिपेंड करेगा। एंड 3 BHK का जब प्राइसिंग का बात करता हूँ दोस्तों, तो उसका 1.45 CR से लेकर के 1.60 CR या फिर 70 CR तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन दी फ्लोर कॉन्फिगरेशन एंड ऑप्शन, इवन 75 तक भी जाता है प्राइजेस में, क्योंकि जितने ज़्यादा ऊपर फ्लोर जाते हैं आपके वैसे वैसे उसके प्राइजेस चेंज होते हैं। बट इसका 1.45 तक आपका फ्लैट कॉस्ट मिनिमम बनता है, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप आपको इसका प्रॉपर टूर समझ में आया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस प्रोजेक्ट को टूर करना है, विजिट करना है, डू लेट मी नो। थैंक यू।